जी न्यूज इंडिया आप सभी देशवासियों से अपील करता है, समय समय पर अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, चेहरे पर मास्क अवश्य लगाएं और संभवतः घरों से बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आप सुरक्षित, देश सुरक्षित। बलिया सीएमओ का हैरान कर देने वाला बयान, लोगों के सामने खड़े किए कई सवाल, रहे सावधान। बलिया सीएमओ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मीडिया के सवालों का जवाब देने के साथ ही एक साथ कई सवाल जनपदवासियों के सामने खड़ा कर दिया है। दरअसल बलिया जिला चिकित्सालय में कोरोना की सैंपलिंग स्वास्थ्य विभाग के ट्रेंड कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। यही नहीं, जनपद के लगभग सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों की कोरोना सैंपलिंग किया जा रहा है। नतीजन बलिया में कोरोना मरीजों की संख्या 4000 के आंकड़े को पार करने के लिए आतुर है। वहीं धीरे धीरे संक्रमितों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। ज्ञातव्य हो कि पिछले वर्ष कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य विभाग के सामने कोरोना सैंपलिंग करने के लिए कई चुनौतियां रही, जिसे लेकर पूर्व में रहे बलिया के डीएम हरि प्रताप शाही और सीडीओ विपिन जैन के समर्थक पहले से न केवल उस दौरान लोगों को रोजगार मिला बल्कि बलिया में बने पीपीआई किट पर सरकार ने भी बेस्ट क्वालिटी की मोहर लगा दिया, जिसके बाद बलिया में पीपी किट और मास्क बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए गए। सर देखा जा रहा है कि जिले में सर कोरोना की जो सैंपलिंग की जा रही है सर, वो बिना पीपी किट के, सर इस पर क्या कहेंगे? उसके लिए पीपी किट की आवश्यकता नहीं है, सैंपलिंग तो बिना किसी सेफ्टी के ही लोग ले सकते हैं कोरोना पॉजिटिव।